प्रणाम करता हूँ। हमारे हरीश भाई ने ये बताने में थोड़ा सा समय लिया कि समय बहुत कम है और सिर्फ 15 बार बताया। अगर 15 बार नहीं बताते तो थोड़ा समय और बच सकता था। बहुत सुंदर व्यवस्था है। मुझे आदरणीय जोगिंदर जी सुंडा जी ने बताया था कि हमारे यहाँ अनुशासन और संस्कार सिखाए जाते हैं। संस्कारों को तो मैं भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन अनुशासन इतना भी मत सिखा देना कि वो अनुशासन ही रह जाए। कविता सुनने के लिए सब कुछ चाहिए, अनुशासन नहीं चाहिए। वाह, कविता सुनने के लिए अनुशासन नहीं चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो वॉलंटियर्स खड़े हैं इन बच्चों को ऊपर, इसलिए कि ये बच्चे कुछ गलत ना करें, वो सब बैठ जाएं। बच्चे गलत कर ही नहीं सकते। और सब बस समय बहुत कम है। मैं जितने कैमरा मैन है इनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने कैमरे सेट करके आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। ये शूटिंग जैसा वातावरण, जितने लोग खड़े हैं सबको बैठना ही पड़ेगा। अगर मुझे सुनना चाहते हैं तो कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। महेंद्र रणवा जी, आप सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें और आप भी बैठ जाएं, आराम से बैठ जाइए, कोई भी खड़ा नहीं हो। जिन लोगों ने मुझे नहीं सुना वो नहीं जानते होंगे, जिन्होंने सुन रखा है वो जानते होंगे, कोई भी इसलिए खड़ा नहीं होगा। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। अरे हिंदुस्तानी जी, समय बहुत कम है जी। मेरा करबद्ध निवेदन है, बहुत अद्भुत बच्चे, थोड़ा छोटे हैं, मैं नहीं जानता वो देश, राजनीति, राष्ट्र कितना समझेंगे, लेकिन इधर प्रबुद्ध वर्ग है। मैं भी 40 वर्ष शिक्षा में रहा हूं, मैंने थोड़ा आपसे थोड़े बड़े बच्चे पढ़ाए हैं। बच्चे क्या, वो तो बड़े होते थे, जब मैं पढ़ाने गया था तब आधे तो मुझसे ही बड़े थे। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूं जितना भी समय, अगर 8:50 तक का ही समय है तो 20 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा नहीं, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। मैं तो जब 5 कविताएं सुना लेता हूं तब मेरा गला खुलता है। अब आपके ऊपर है कितना सुनना चाहते। साहब बैठिए बीच में, प्लीज प्लीज, कहीं भी बैठ जाइए। ये देश, मैं देखना चाहता हूं मेरी बात कहां तक पहुंच रही है और कितनी पहुंच रही है। छोटी सी कहानी सुनो, 10 सेकंड की कहानी। बेटर साहब आप भी बैठ जाओ, आपको भी सुविधा नहीं है किसी को पानी पिलाने की, बैठ जाओ, बैठ जाओ कहीं। एक छोटी कहानी सुनो, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उन दोनों को तेज बाढ़ का पानी मिल गया रास्ते में। दोनों घबरा गए, डर गए कि बाढ़ का पानी तेज बह रहा है, कैसे निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बिना समझे तालियां मत बजाओ, मैं जानता हूं अभी तक आप कुछ भी नहीं समझे। मुझे पढ़ाना आता है इसलिए पढ़ो थोड़ा सा। पिता ने कहा बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो, बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, समझ जाओ तो एक बार ताली बजाकर बताना ताकि हरीश को पता चले ताली के। समझ जाओ तो मेरी पूरी बात सुनो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, समझना साहब, समझो तो तालियां उठाना। पापा बहुत फर्क पड़ता है,
मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ सकता। जिस संस्थान ने अपने बच्चों के हाथ शिक्षा के उत्थान के लिए पकड़ लिए हैं, मैं उन सबका अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या भूख है, गरीबी और भूख देश की बड़ी समस्या है। आतंकवाद देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री के दिल में सरदार पटेल की आत्मा पूरी पूरी उतर जाएगी, आतंकवाद समाप्त कर दिया जाएगा। 24 घंटे का काम है आतंकवाद समाप्त करना। लेकिन बड़ी समस्या भूख है। भूख से लड़ने के लिए शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा के संस्थान में अगर मुझे कविता पाठ का मौका मिला है तो ये मेरे लिए तीर्थ कर लेने जैसा है। मैं इस पुण्य समय के प्राण को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। भैया, हमने आपसे कहा था बैठ जाओ, हमारा अनुरोध मान लो, हमारी बात मान लेते हैं सब। कोई नहीं, आप एक को बिठाने के लिए दो उठ गए। बस मैं एक आज्ञा और चाहता हूँ आपसे। मैं पिछले दिनों बहुत बीमार हो गया था, मेरी कमर में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहते हैं अभी कुछ दिन तक खड़े होकर कविता पाठ मत करो। मैं देर तक पढ़ूंगा, एक कविता अच्छी लगेगी तो एक और सुनाऊंगा, अच्छी नहीं लगेगी तो दो तीन और सुनाऊंगा। तो मुझे बैठने की इजाजत आप दे दीजिए ताली बजा के, फिर मैं आपको जी भर के कविता सुन। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकारो भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय, मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है। आपको ताली बजाने की ट्रेनिंग किसने दी है? इतनी अच्छी तो भारत की सेना परेड नहीं करती जितनी अच्छी आप ताली बजाते हैं। देखो, मैं एक समझदार कवि हूं, जाट हूं और फिर भी समझदार हूं। सुन्ना जी माफ करना, मैं आपकी जो लोग समय से आ रहे हैं मैं उनको निवेदन करता हूं कि मैं अंतिम कवि हूं। या मैं ये भी कह सकता था अभी शुरू किया है, आप समय से आए हैं, हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। आ जाइए जो आगे। देखिए, थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिए। तालियां हरीश जानता है, हमारी बिटिया गौरी भी जानती है। हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ खड़े करने की परंपरा जिन कवियों ने बनाई और शुरू की, उनमें से एक मैं भी हूं। लेकिन उम्र के इस मोड़ पर केवल तालियां उद्देश्य नहीं है। आप 70 के दौर में मैं कुछ दिलों पर छपना चाहता हूँ, कानों चीज सुनने के बाद तालियां नहीं बजवाना चाहता। बजा मन करे तो बजाइएगा, लेकिन केवल तालियों के लिए मैं अब कविताएं नहीं लिखता। मैंने जीवन भर तालियों के लिए कविताएं लिखी। मैं एक दो महत्वपूर्ण कविता आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मेरी सबसे आसान कविता सुनो। ये 4 लाइन में सुना रहा था, सुनाने ही नहीं दी और बिना समझे बात बिना पूरे हुए ताली बजा दी। अब मैं पूरी कर देता हूँ। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय, मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय, मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैंने मना भी नहीं किया है ताली बजाने को, डरना मत, प्रफुल्ल होके सुनो। देखो, एक यहाँ अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाया जाता होगा, मैं भी 40 साल अंग्रेजी में पढ़ाता रहा कानून। मैंने भी जब मैं पढ़ता था तो किसी ने कहा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा नौकरी वोकरी मिल जाएगी, तो मैंने भी ये गलती की कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा। लेकिन मैं ये कहने का आपको, मेरे पास जो सबसे अच्छी एक ही सलाह है, जरूर पढ़ो अंग्रेजी, आपको कार अंग्रेजी देगी, लेकिन संस्कार केवल मातृभाषा देती है, उसको भूल मत जाना कभी। और
और इस देश का एकमात्र संकट है कि हम अपनी नई पीढ़ी के लिए तय नहीं कर पा रहे कि उसकी प्राथमिकता कार होनी चाहिए कि संस्कार होनी चाहिए। प्राथमिकता संस्कार ही होनी चाहिए, कारें तो आगे पीछे अपने आप घूमने लगती हैं। संस्कार हैं तो फिर कारें तो आगे पीछे आएंगी।